हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है और इसके कितने टाइप हैं और उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स होता क्या है, अगर मैं किन्हीं नंबरों को, कुछ नंबरों को, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये ले लेते हैं, इन नंबरों को मैं इस ब्रैकेट में क्लोज करके और किसी कैपिटल लेटर से डिनोट कर दूँ। कैपिटल लेटर मान लीजिए ए है, ठीक है दोस्तों, तो इस सारी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ये कैपिटल लेटर, ये क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स ए, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे बी होता तो इसको क्या बोलता है, मैट्रिक्स बी। अब ये 1 2 3 4 ये क्या है, ये होते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है, लेकिन उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है। पहले देखते हैं रो। रो क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं दाएं से बाएं जाऊं, दाएं से बाएं जैसे लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं ऐसे, ठीक है दोस्तों, और दाएं से बाएं ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं दाएं से बाएं जाऊं, तो यहाँ पे एक ये रो और एक ये रो, दाएं से बाएं जाने पर जो मुझे प्राप्त होता है वो रो है, एक रो और दो रो। यहाँ पे कितनी रो है, इसको मान लेता हूँ मैं R1 और ये मान लेता हूँ R2। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, दो रो है। ऐसे ही अब कॉलम क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होती है, कॉलम होती है, एक दो। इस मैट्रिक्स में कितनी कॉलम है, दो। यहाँ लिख देता हूँ, इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, दो, और कॉलम कितनी है, दो, ठीक है दोस्तों। अब आता है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रो हैं मल्टीप्लाई कितनी नंबर ऑफ कॉलम है, वो इस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ऑर्डर। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, पहले रो लिखी जाती हैं, कितनी रो हैं, दो, उसके बाद मल्टीप्लाई कितनी कॉलम है, दो ही कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2x2, और उसको लिखते कहाँ हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2x2, ठीक है दोस्तों। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो पहले मैं क्या देखूंगा, इसमें कितनी रो हैं और कितनी कॉलम है। रो चेक करते हैं, एक दो तीन, तीन के रो। कॉलम देखते हैं, एक दो तीन, तीन ही कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3। एक्चुअली ऑर्डर बताता क्या है, ऑर्डर ये बताता है भी किसी मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और कितनी कॉलम है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मैं किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स यहाँ तक होती है, यहाँ तक होती है, तब इसका ऑर्डर क्या था, आइए देखते हैं। इसमें कितनी रो हैं, दो, दो रो हैं, और कॉलम कितनी है, एक दो तीन। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2x3। आई होप आपको ऑर्डर पता चलो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अब देखते हैं जो ये मैट्रिक्स थी, ठीक है, मैं 2x2 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ये 2x2 की है, यानी कि इसमें दो रो हैं और दो कॉलम हैं। ये जो मैट्रिक्स है, इसमें जो एलिमेंट हैं इसके, ये और ये, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, आइए देखते हैं। जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स की, इस एलिमेंट के बारे में बोलूँ आपसे, ये एलिमेंट, इसकी पोजिशन क्या है, इसकी पोजिशन को कैसे दिखाते हैं, इसकी पोजिशन है, मैं लिख देता हूँ एक बार, A11, यहाँ लिख देता हूँ A11। इसका मतलब क्या है A11 का, A11 का मतलब है, यहाँ से A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, ठीक है। तो अगर ऐसे ही मैं A12 लिखूँ, A12 क्या है, यहाँ पे A11 तो मेरा यहाँ पे 1 है, क्योंकि फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट तो यही नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, 1। अगर मैं आपसे 1 2 पूछूँ, तो 1 2 क्या है, 1, यानी कि पहले किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रो को रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले मैं क्या देखूँगा, फर्स्ट रो,
ये रही टू क्या है कॉलम, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम तो ये है, तो ये क्या है दो। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं ए टू वन क्या है, यहाँ पे टू किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले रो लिखी जाती है, टू क्या रो यानी कि सेकंड रो, सेकंड रो तो ये है, वन क्या है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम यानी कि इसकी बात कर रहा है फोर। उसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे ए टू टू, ए टू टू क्या है सेकंड रो, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो इसकी बात हो रही है यहाँ पे फाइव। अगर मैं पूछूं ए टू थ्री क्या है, ए टू थ्री देखें ए टू क्या है सेकंड रो, थ्री क्या है थर्ड कॉलम, इसमें कॉलम है थर्ड कॉलम यानी कि ए टू थ्री इसमें है ही नहीं है, ये ए टू टू तक है। आई होप आपको यह समझाओगे किसी भी एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ए है मेरा वन टू थ्री माइनस के फोर एट नाइन थ्री फाइव नाइन, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे पूछूं ए टू थ्री की वैल्यू क्या है, ए टू थ्री की वैल्यू क्या है, आपके माइंड में एकदम आना चाहिए ए टू सेकेंड रो, ठीक है दोस्तों, थ्री थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम यानी कि इसकी बात हो रही है नाइन। अगर मैं आपसे बोलूँ ए थ्री, थ्री है, थ्री है एकदम रो पे चले जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थ्री की बात हो रही है, ए थ्री टू सेकेंड थर्ड रो और सेकंड कॉलम यानी कि फिफ्थ की बात हो रही है, ए थ्री थ्री थर्ड रो, थर्ड रो, थर्ड रो और थर्ड कॉलम यानी कि नाइन की बात हो रही है। आई होप आपको यह समझा होगा किसी एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए अब देखते हैं मैट्रिक्स के टाइप कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप की मैट्रिक्स होती हैं। आइए देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप है मेरे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो सिर्फ एक हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ यहाँ पे वन टू थ्री, ठीक है दोस्तों। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रो हैं, एक ही रो है और कॉलम कितनी है एक दो तीन, तो इसका ऑर्डर है वन क्रॉस थ्री। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ऑर्डर कितनी है, सॉरी रो कितनी है वन, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या है इसका, इसमें रो कितनी है एक ही रो है और कॉलम कितनी है एक दो, एक दो तीन चार पाँच, तो ये क्या है रो मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो होती है ऐसे कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होती है, जैसे वन टू थ्री, ठीक है दोस्तों। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें रो कितनी है एक दो तीन, तीन तो रो है पर कॉलम कितनी है एक, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है थ्री क्रॉस वन, तो इसमें कितनी कॉलम है, कॉलम पीछे रिप्रेजेंट की जाती है, फर्स्ट रो होती है ये कॉलम होती है, तो इसमें क्या है एक कॉलम है, तो ये क्या है कॉलम मैट्रिक्स है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फोर फाइव सिक्स सेवन, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रो हैं, चार रो हैं और कॉलम क्या है एक है, तो ये भी क्या है कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल के नाम से पता चल रहा है आयतकार मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है दोस्तों। कैसे, जैसे एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं एक दो तीन चार पाँच छः, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रो हैं एक दो, दो तो रो हैं कॉलम कितनी है तीन। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है दो, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है तीन, तो ये बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल शेप की बन रही है। देखो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ ऐसे तो रेक्टेंगल शेप नहीं बढ़ रहा, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं ये मैट्रिक्स क्या है, ये एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है टू क्रॉस टू, इसमें क्या नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो यानी कि एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स ये नहीं है। आई होप आपको समझा रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद आ जाती है स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। कैसे, आइए देखते हैं।
मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है दोस्तों, इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, तो यहाँ पे रो भी कितनी है, 2, और कॉलम भी कितनी है, 2। इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्केयर मैट्रिक्स। एक 3x3 ऑर्डर की ले लेते हैं स्केयर मैट्रिक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका ऑर्डर क्या है, 3x3, ये भी क्या एक स्केयर मैट्रिक्स है। उसके बाद देखते हैं डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी स्केयर मैट्रिक्स जिसमें सारे नॉन डायगनल एलिमेंट क्या हों, 0 हों। अब ये नॉन डायगनल एलिमेंट क्या होता है, आइए देखते हैं। पहले डायगनल एलिमेंट देखते हैं क्या होता है। डायगनल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनकी पोजीशन 1, 1 या A22, A33 ऐसे आगे चलती रहे। जो एलिमेंट इस पोजीशन पे होंगे वो डायगनल एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा सभी डायगनल एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन डायगनल एलिमेंट। जैसे एक मेरे पास मैट्रिक्स है 2, 3, 4, 5, ठीक है दोस्तों, इसमें मैं पूछूं आपसे डायगनल एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो डायगनल एलिमेंट कौन कौन से है, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A11, A22, तो ये एलिमेंट क्या है, डायगनल एलिमेंट। सिंपल से मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी कि जो इस लाइन के ऊपर है, ये एलिमेंट क्या है, डायगनल एलिमेंट, ठीक है दोस्तों। 3x3 की मैट्रिक्स लेता हूँ एक मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है दोस्तों। तो ये एलिमेंट क्या है, A11, ये A22, ये A33, यानी कि तीनों एलिमेंट क्या है, डायगनल एलिमेंट। उसके अलावा 4, 7, 8, 2, 3, ये सारे क्या, नॉन डायगनल एलिमेंट, ठीक है दोस्तों। अब डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है, ये तो एलिमेंट था, डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगनल मैट्रिक्स होती है जिस मैट्रिक्स में सभी नॉन डायगनल एलिमेंट क्या हों, 0 हों। जैसे ये डायगनल एलिमेंट है, उसके अलावा जो रहेगा वो क्या, नॉन डायगनल एलिमेंट, ये भी 0 है और ये भी 0 है, ये क्या है, डायगनल मैट्रिक्स। एक और लेते हैं 3x3 के, जैसे हाँ जी, तो इसमें क्या है, ये डायगनल एलिमेंट है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसके अलावा सभी एलिमेंट क्या है, 0, यानी कि नॉन डायगनल एलिमेंट क्या है, 0, ये क्या है, डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। सिक्स्थ है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी डायगनल मैट्रिक्स जिसमें जो डायगनल एलिमेंट वो क्या हो, सेम हो। जैसे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो डायगनल मैट्रिक्स होनी चाहिए और उसके जो डायगनल एलिमेंट वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे ये मैट्रिक्स है, हाँ जी ये डायगनल मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसके नॉन डायगनल एलिमेंट क्या, 0 है। और ये स्केलर कब कहलाएगी, जब इसके डायगनल एलिमेंट क्या है, सेम है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। एक और लेते हैं 3x3 की, जैसे 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, ये क्या एक स्केलर मैट्रिक्स है, नॉन डायगनल एलिमेंट 0 और ये क्या है, सेम तीनों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आती है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी डायगनल मैट्रिक्स जिसके सभी डायगनल एलिमेंट क्या हों, 1, 1 हों। जैसे ये मैट्रिक्स, फर्स्ट कंडीशन तो वो क्या है, डायगनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायगनल मैट्रिक्स होती है इसके नॉन डायगनल एलिमेंट क्या हों, 0 हों। वो यूनिट मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब उसके डायगनल एलिमेंट वो क्या हों, 1, 1 हों। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाँ जी ये क्या है, ये यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आई से भी लिखते हैं, ये क्या यूनिट मैट्रिक्स है, हाँ जी, क्यों, क्योंकि इसके डायगनल एलिमेंट क्या है, 1, 1 है, ठीक है दोस्तों। इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं I2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको पता चले यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या हों, 0, 0 हों, उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। ये है मेरी जीरो मैट्रिक्स। आई होप आपको मैट्रिक्स क्या होती है और उसके टाइप समझ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।